बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लज जाएगी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा, और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउसवाइफ के बारे में। बहुत सारी हाउसवाइफ ये ऐसा सोचती हैं कि मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ, सिर्फ हाउसवाइफ हूँ, मुझे कहाँ सैलरी मिलती है। तो मैं आपको बता दूँ, हाउसवाइफ को भी सैलरी मिलती है। कैसे, वो आपको मैं इस वीडियो में एक एक पार्ट पे, एक एक चीज़ पे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर हम करते हैं पूजा। पूजा निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना भजन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए उनसे प्रार्थना भगवान की पूजा करते हैं। और बस इस उम्मीद के साथ में कि भगवान सब अच्छा करेंगे, भगवान हर दिन अच्छा ही करते हैं। तो बस यहाँ से हो जाती है हमारी शुरुआत, और ब्लेसिंग देते हैं भगवान जी बहुत सारी, वो होती है हमारी हाउसवाइफ की सैलरी। और उसके बाद सुबह उठकर बच्चों का टिफ़िन लगाना, हस्बैंड का टिफ़िन लगाना। फ़िलहाल तो मेरी बेटी अभी नहीं जा रही है स्कूल, 5 तारीख से जाएगी, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का टिफ़िन लगा रही हूँ। तो उनका मैंने टिफ़िन यहाँ पे पैक कर दिया है। जब हम सुबह उठकर हस्बैंड का टिफ़िन बनाते हैं और जब वो टिफ़िन खोलकर स्कूल में खाते हैं अपने मित्रों के बीच में बैठकर, तो कहीं ना कहीं मन में ही सही वो मुझे याद करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। खाना अगर अच्छा बना होता है तो स्वाद ले लेके खाते हैं और घर आकर उसे बताते हैं। वो होती है हम हाउसवाइफ की से। आज आद्या ने पायल पहनी है, ये देखो आद्या, ये आद्या की नई पायल। कल मैं थोड़ा अलमारी ठीक कर रही थी तो आद्या की पायल मिली 2 जोड़ी, जिसमें से एक छोटी हो गई है, 3 जोड़ी मिली थी, एक छोटी हो गई है, एक बीच की है जो भी है थोड़ी सी टाइट है हो रही है, एक और है वो बहुत मतलब वो न्यू है एकदम, वो भी पहनी नहीं है, वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन आद्या को यही अच्छी लगी क्योंकि इसमें छम 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 बजता है। अब आद्या करेगी बढ़िया सा डांस क्योंकि उसे अच्छा लगता है। ये रहा मेरा दक्षु। ये क्या लगाया बाबू, ये क्या है? दिखाओ इधर, इधर दिखो दिखो, ये तुम्हारा रेड ब्लड था क्या? नहीं, क्या लग गया था इसको? खाया जूस में। अच्छा अच्छा, जामुन खाए हैं, जामुन जामुन खाए हैं। दक्ष और राजा दोनों नहा चुके हैं, काफी देर हो गई है, अभी बज रहे हैं करीबन 11:30। दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने घर के जो गद्दे हैं उनको मैं बाहर धूप लगाऊं, तो आज धूप बहुत अच्छी निकली थी। 3 दिन से लगातार दिन और रात बारिश हो रही है, कभी धीमी कभी तेज़, तो मैंने आज मौका मिल गया तो मैंने गद्दों को धूप में लगाया। 2 दिन ये मेरे बड़े वाले जो गद्दे हैं वो थोड़े सीढ़े सीढ़े से, यानी थोड़े से मतलब गीले गीले से लग रहे थे मुझे, तो इसलिए मैं उनमें सोई नहीं थी, उनको हवा लगा दी थी पंखों के नीचे। तो हमने एक रजाई, एक पतला गद्दा और एक मेरे पास मोटा गद्दा है, उसको निकाल कर हम लोग उस पर सोए थे। तो आज मैं उनको भी धूप लगाई हूँ, और ये धूप लगाने के बाद मैं इनको अंदर रख रही हूँ। अपने घर के जो काम होते हैं जैसे कपड़े धुल के फैलाना, उनको उतारना, घर के गद्दों में धूप लगाना, इन सारी चीज़ों को जो हम करते हैं ना और उसके बाद अपने घर को सजा लेते हैं ना, तो जो सुकून मिलता है ना वो होती है हमारी सैलरी। हम हाउसवाइफ को घर के ये सारे काम जब हम करते हैं ये सोच के नहीं करते हैं कि इससे हमें मिलेगा क्या, लेकिन जब हम करके इन सारे कामों को करने के बाद रिलैक्स होकर बैठते हैं ना, तब सामने नज़रों के सामने जब अपना घर दिखता है ना, और जो सुकून मिलता है, जो मतलब घर में जब हस्बैंड आते हैं या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो उनको इन गद्दों पे सोने में बिल्कुल वैसा ही कंफर्ट फील हो जैसे कि अभी अभी इनको ना रुई से भरवा कर लाए हों,
तो बहुत ही सुकून मिलता है और कुछ कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं कि बच्चों के साथ में हम हाउसवाइफ इस घर को किस तरीके से प्रॉपर अरेंज करके सजा कर रखते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना हमको, चाहे वो अपने हस्बैंड से हो, अपने बच्चों से हो, अपने रिश्तेदारों से हो, रिलेटिव्स हो, मेहमानों से हो, किसी से भी हो, वो जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना वो होती है हम हाउसवाइफ की सैलरी। तो ये सारे गद्दे मैंने रख दिए हैं, कुछ को मैंने ऐसे ही रख दिया है और जो ये बड़े वाले गद्दे हैं दीवान के, इनको मैं बेड पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे सारे गद्दों के साथ में मैंने इनकी बेडशीट है उनको भी धुल दिया था। काफ़ी सारी बेडशीट हैं मेरे पास, काफ़ी पुरानी भी हो गई हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो एकदम नई रखी हुई हैं दीवान में, उनको मैं भी यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम बाद हमको यहाँ से शिफ्ट भी करना है अपने नए घर के लिए। मैंने सारे गद्दे रख दिए थे जब शाम को हस्बैंड आए थे स्कूल से, दोपहर में ही आ जाते हैं लेकिन वो प्लॉट पे जाते हैं। उनके वहाँ से आने के बाद हम ढेरों बातें करते हैं बैठकर सुकून से, स्कूल में क्या हुआ, पहला दिन था, खाना कैसा लगा, और जो सारी चीज़ें हमसे बताते हैं, मुझसे जो जो चीज़ें शेयर करते हैं अपने दुख की, अपने सुख की, या मैंने दिन भर क्या किया वो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, और जो खुशी मिलती है ना उसे कहते हैं हम हाउसवाइफ की सैलरी। अभी क्या है, मेरे हस्बैंड आध्या का जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करा रहे हैं थोड़े नए तरीके से। आध्या की स्कूल 5 तारीख से शुरू होने वाले हैं, छुट्टियों में हमने बहुत सारे आध्या के जो छुट्टियों का होमवर्क मिला था ना समर वेकेशन का, वो कंप्लीट कराया था, तो उन्हीं में से एक ये था जो अभी बाकी रह गया है। थोड़ा नए तरीके से ये कर रहे हैं, इससे क्या होता है बच्चे को सीखने की क्षमता है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, वो और ज़्यादा सीखने के लिए नई नई चीज़ें करने के लिए दिमाग लगाते हैं। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं तो उनको बच्चों को अच्छे से संभालना, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस तरीके के गोले बनाए हैं, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसका क्या यूज़ हुआ है। तो बस यहाँ पे ये काम ख़त्म हुआ, हस्बैंड कर रहे हैं और मैं आ गई थी किचन में अपने कर्म भूमि पर, अपने जो काम मैंने किए थे उसके कुछ बर्तन पड़े हुए थे वो धुल रही हूँ। अच्छा, क्या होता है जब हम हाउसवाइफ घर में मेड लगा लेती हैं, तो मेड लगाएंगे तो फ्री में तो लगती नहीं है, पैसे लगते हैं, और जब हम हाउसवाइफ ही सर घर का सारा काम करते हैं तो हमारा पैसा है ना वो बचता है, तो मिलती है ना हम हाउसवाइफ को सैलरी। कुछ इस तरीके से भी हम हाउसवाइफ सैलरी पाते हैं। गद्दे तो मैं ले आई थी, अब शाम को सोने की बारी आ गई है, तो सोने से पहले इन गद्दों पे मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर चढ़ा देती हूँ। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर भी मैंने धुल लिए थे और ये पहले से ही धुल के रखे थे, अभी सूखे हुए बढ़िया से हैं तो मैं इनमें चढ़ा दूँगी। इसकी हेल्प से क्या होगा कि इस पर पानी गिरे या दक्ष बाथरूम कर देता है कभी मेरा बच्चा, तो गद्दों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है हम हाउसवाइफ को। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको कंप्लीट करना, इनको कंप्लीट करने के बाद अपने बच्चे के लिए मतलब सोचना कि हाँ मेरा बच्चा अगर ऐसा कर देगा तो ये दिक्कत होगी, बच्चे को मारने से अच्छा है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि हाँ अब मैंने अपने घर के कुछ ऐसे काम भी निपटा लिए हैं जिससे हमारी घर की जो चीज़ें हैं वो बर्बाद नहीं होंगी, और बर्बाद नहीं होंगी तो हमको मिलती है ये सैलरी कि हमने कुछ बचा लिया है। जब भी मैं अपने घर में घर को संवारती हूँ, बेडशीट बिछाती हूँ, साथ ही साथ बच्चों को भी इंक्लूड करती हूँ और वो भी मेरे साथ हेल्प करते हैं, तो उनको इस हेल्प में शामिल करने में उसके बाद मैं उनको बहुत सारा प्यार भी करती हूँ। दक्ष तो अभी बहुत छोटा है बट मेरे सारे कामों में मेरी आद्या थोड़ा थोड़ा हेल्प करती रहती है, जैसे कि बेडशीट बिछाना, कभी कभी कपड़े भी उतरवा लाती है छत से धूप से, तो ये सारे काम वो कभी कभी कर देती है। कपड़ों को तय लगाना वो तय लगा के रख देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है बच्चा भी घर में घर के कामों को भी सीखता है थोड़ा थोड़ा, और अकेले में या मजबूरी में कभी भी असहाय फील नहीं करता है। तो है ना ये हमारी सैलरी कि हाँ बच्चा भी कुछ सीख रहा है मुझसे। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने। कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि दीदी आप आलू बहुत खाते हो, आलू कम कर दो खाना। तो मैं आपको कहूँगी यही कि सब्जियों को राजा आलू होता है,
तो आलू एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक सभी को पसंद होती है, किसी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद हो। हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रोज़ खाते होंगे, लेकिन हाँ कभी कभी तो खाते ही होंगे। हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही खाती हूँ और ज़्यादा ही बनाती हूँ, आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत कम कर दूँ और कम ही वीडियो में दिखाया करूँ। लेकिन ये वीडियो तो बन ही चुका था तो मैं इसमें दिखा देती हूँ। टमाटर घर में ख़त्म हो चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब हम हाउस वाइफ हैं तो सब्जी में भी कुछ अलग से तड़का देना ही पड़ेगा। घर में सब्जियां बहुत कम हो रही हैं इस टाइम, क्योंकि बरसात है और बरसात के मौसम में सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं और मार्केट में बहुत कम आने लगती हैं। हमारे यहाँ टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो टमाटर एक तो मिल नहीं रहे थे, मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो मैंने इसमें खटाई पाउडर डालकर काम चलाया, जो कि सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। खैर आप अब कमेंट मत करना आलू के ऊपर, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम ही आलू दिखाया करूँ। लेकिन रोज़ रोज़ मैं क्या बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कोई आकर मुझे रोज़ बता दे मेन्यू में कि आज ये बना लो प्रियंका, और चीज़ ला कर दे दे और मैं कर लूँ। और फिर खाने वाले भी तो लोग चाहिए, हम दो लोग और दो बच्चे मेरे, जो वो खाते हैं वो मैं बना देती हूँ, बाकी का तो खाना जो बनता है वही बच्चे खा लेते हैं। यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन भी है, मैंने साफ़ करके रख दिया है, सुबह के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी। सब्जी भी हमारी बन गई है, तो जहाँ से हुई थी ना हमारी शुरुआत हस्बैंड का टिफ़िन लगाने से, हस्बैंड के टिफ़िन को धोने तक का जो सफ़र रहता है, उसके बाद हम रात का डिनर करने के बाद बर्तन धुल के अपने किचन को चमचमा देते हैं, साफ़ कर देते हैं, तो जो दिल को सुकून मिलता है। फिर आराम से बैठ के हस्बैंड से बातें करना, अपने लिए समय निकालना, कुछ किताब पढ़ लेना, कभी यूट्यूब देख लेना, कभी इंस्टाग्राम देख लेना, कभी अपनी फैमिली से बात कर लेना, फ़ोन पे मम्मी से बात कर लेना, परिवार में फ़ोन करके बात कर लेना, जो वो सुकून मिलता है ना कि हाँ अब हमारा घर चमक रहा है, कल सुबह फिर शुरुआत करते हैं, वो मिलती है सैलरी। तो हम हाउसवाइफ को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको सैलरी नहीं मिलती है, हमको सैलरी मिलती है, हमें भगवान देता है, हमारे घर के काम में की खुशियाँ देती हैं, हमारे अपने देते हैं, हमारे पति, हमारे बच्चे, हम इन सब में वो सैलरी को ढूंढ लेते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।